नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने 85 रनों की तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनको रोहित शर्मा ने तोड़ा है। तो 7 ऐसे रिकॉर्ड हमने चुने हैं जिन्हें रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में तोड़े हैं। तो दोस्तों उन्हीं रिकॉर्डों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों रोहित शर्मा के पहले रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो है बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। रोहित शर्मा ने इस पारी में 85 रनों की पारी के साथ ही हैमिल्टन मसकाजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 377 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज़्यादा, लेकिन अब रोहित शर्मा आ चुके हैं 10 इनिंग में 380 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा, और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा है वो है सुरेश रैना का। भारत की तरफ से टी20 में यानी कि IPL और सभी टी20 मिला के सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। 8392 रन थे सुरेश रैना के, लेकिन अब पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा नंबर 2 पर 8406 रनों के साथ। अब सिर्फ विराट कोहली इनसे आगे हैं, उनका रिकॉर्ड भी ये तोड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ब्रेंडन मैकुलम के 398 छक्कों की बराबरी कर ली है। ब्रेंडन मैकुलम ने जहाँ 474 इनिंग ली थी वहीं पर रोहित शर्मा 354 इनिंग में पहुंच चुके हैं, और अब 400 छक्के लगाने के लिए सिर्फ 2 छक्के चाहिए रोहित शर्मा को, और ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मात्र 1 छक्का चाहिए। वहीं पर दोस्तों आप रिकॉर्ड नंबर 4 की बात करें तो ये है सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड। इन्होंने तिलकर ने दिलशान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 223 चौके लगाए थे टी20 में। अब रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं 225 पर, इनसे आगे आयरलैंड के 233 कप्तान मौजूद हैं। वहीं पर भारतीय टीम के कप्तान भी मौजूद हैं विराट कोहली 235 के साथ। वहीं पर बात करें दोस्तों रिकॉर्ड नंबर 5 की तो ये हैं सबसे ज़्यादा टी20 रन बनाने का। रोहित शर्मा अब 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 2537 बनाए हैं। इनके पीछे विराट कोहली 2450 मौजूद हैं, लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पर काफ़ी कमाल कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों रिकॉर्ड नंबर 6 की बात करें तो रिकॉर्ड नंबर 6 में है एक मुकाबले में यानी कि 5 छक्के या उससे ज़्यादा का कारनामा 8 बार कर चुके हैं रोहित शर्मा। कोलिन मुंद्रो और क्रिस गेल ये कारनामा 9-9 बार कर चुके हैं, तो एक मुकाबले में 5 या उससे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड। वहीं पर दोस्तों अब 7वां और आखिरी रिकॉर्ड है रोहित शर्मा और शिखर धवन का, जिन्होंने 100+ साझेदारी की है यहाँ पर 4थी बार। वहीं पर इससे पहले डेविड वार्नर और शेन वाटसन 3 बार कर चुके, लेकिन रोहित शर्मा और शिखर धवन अब पहुँच चुके हैं नंबर 1 पर। 4 बार इन्होंने शतकीय साझेदारी की है टी20 मुकाबलों में। तो दोस्तों ये वो 7 रिकॉर्ड थे जो इस मुकाबले में बनाए रोहित शर्मा और शिखर धवन ने। तो दोस्तों आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन सा है कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।